हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो लेके आप सब के लिए। तो यार अभी क्या क्या चीज़ें आने वाली है RC22 के मल्टीप्लेयर मोड में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऑफलाइन मोड में आ चुकी है, कुछ थोड़ा बहुत ये न्यू ऐड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, लेकिन मल्टीप्लेयर में भाई बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको RC20 में भी देखने के लिए मिलती है। तो क्या है वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ ये है आपका 2P, जो 2P गेम है उसमें आपको T10 T20 देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको जैसे आप RC20 में खेलते हो दोनों गेम T10 और T20, इसमें आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके साथ आपको कोअप मोड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अभी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो सिर्फ RC22 में, लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो 20 में जाके आपको करनी पड़ती है एक्सेप्ट। तो आपको ये ऑप्शन, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा आपको मल्टीप्लेयर में। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते दोस्तों अपडेट की, तो अभी तक कंपनी ने कोई भी डेट नहीं डाली अपडेट की। मुझे लगता है अभी मतलब डेट डालेगी भी नहीं, क्योंकि पहले जो अपडेट आए हैं वो अपडेट आने के बाद उन्होंने पोस्ट डाली है। तो ये जो पोस्ट डालने वाला काम था ये तो अब बंद हो चुका है। तो सडनली आपको कंपनी कभी भी अपडेट दे सकती है, आईपीएल से पहले दे देगी। वैसे तो आईपीएल तो काफ़ी लेट है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बाद दे सकती है, या फिर प्लेयर्स जो रिलीज़ करेगी उसके स्क्वाड के हिसाब से आपको अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आईपीएल टीम्स जो प्लेयर रिलीज़ करेगी या फिर ट्रेड करेगी उसके हिसाब से आपको जो है आपको इसमें RC22 में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि उस टाइम पे आपको वो क्या कहते हैं उसका स्क्वाड का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसमें ये क्या कहते हैं 2P का भी अपडेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना भाई, और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखना, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है भाई, पहले भी मैंने आपको अपने चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन दी और अब भी आपको सही इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। मैंने कभी फेक डेट नहीं बताई, जो डेट बताई थी वो बिल्कुल रियल थी, ठीक है? और जो डेट पोस्टपोन हुई उसका भी आप कारण बताया था। लेकिन अभी यार चैनल को सब्सक्राइब रखो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।